वेलकम टू माय चैनल इन ऑटो कैड एंड सॉलिड वर्क डिज़ाइन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी ऑटो कैड की 2D की एक्सरसाइज 52, जिसकी आपको यहाँ पर ड्राइंग शो हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे इस वाले सर्कल से, बड़े वाले सर्कल से, जिसका रेडियस 40 दे रखा है। उसके बाद हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सर्कल दे रखा है रेडियस 40 का। हमने यहाँ पर रेडियस 40 का सर्कल लिया। उसके बाद हमें सर्कल दे रखा है यहाँ पे रेडियस 32 का। उसके बाद हमें 32 और फिर हमें अंदर वाला सर्कल दे रखा है रेडियस 21 का, ठीक है? ओके, तो हमने तीनों सर्कल अपने बना लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो हमें यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस दे रखा है 6, मतलब कि सेंटर लाइन से इधर इधर 3 और इधर 3, ठीक है? तो चलिए हमें अभी यहाँ पर हमारे पैटर्न ये दे रखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हमारे स्लॉट है यहाँ पर, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्लॉट बना लेता हूँ, जिसके हमें गिवन है डाटा, जिसके हमें डायमेंशन गिवन है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसको ऑफसेट लिया 3 इधर 3 इधर। ओके, अब जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसको ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा एक्स्ट्रा ये निकला पड़ा है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये एक स्लॉट तैयार हो चुका है, ठीक है? अब हमारे पास एक कमांड है, एरे कमांड, पोलर एरे। यहाँ पर मैंने डाला ए आर, यहाँ पर आ गया एरे पोलर। उसके बाद मैंने यहाँ पर यहाँ ये बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट लिया। और उसके बाद यहाँ पर हमें 6 चाहिए थे, तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 डाला हुआ है, ठीक है? अब मैंने एंटर कर दिया। ओके, अब अपनी ड्राइंग पे हम देखते हैं। उसके बाद तो जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसे ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाला हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर वाला सर्कल बना देता हूँ, जिसका रेडियस मुझे 16 दे रखा है, ठीक है? सर्कल कमांड 16। तो मेरा ये वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है ऊपर का हिस्सा इसका। हम यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल हमें हाइट दे रखी है इसके, इस वाले सर्कल की 50+20। तो पहले मैं ये वाला सर्कल बनाऊंगा, फिर उसके बाद ये वाला, फिर मैं इसको मिरर कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला सर्कल बनाते हैं। टोटल हमें हाइट दे रखी है 70, तो मैंने 70 लेता हूँ सबसे पहले मैं सेंटर से, सेंटर। सेवेंटी यहाँ पर मुझे सर्कल दे रखा है, कितने का? रेडियस 15 का, रेडियस 15 का, और एक सर्कल दे रखा है ऊपर रेडियस 20 का, ठीक है? तो चलिए बनाते हैं। रेडियस 20 का सबसे पहले वाला सर्कल बड़ा वाला था, पहले मैंने बड़ा वाला सर्कल बनाया, ठीक है? और उसके बाद यहीं मैं एक सर्कल बनाता हूँ रेडियस 15 का भी अभी।
चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखे 60 डिस्टेंस की तरफ, और यहाँ यहाँ से 60 है, और इस वाले सेंटर से दे रखे 20। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका मैंने ऑफसेट लिया 60, और फिर यहाँ से मैंने 20 20 ऑफसेट लिया ऊपर की तरफ। मुझे ये वाला सेंटर मिल गया इसका, जो कि कितना दे रखा है इसका भी। बाहर वाला सर्कल हमारा 21 का है, रेडियस 21 का, जो बाहर वाला सर्कल है वो हमें दे रखा है रेडियस 21 का, और अंदर वाला हमें दे रखा है रेडियस 15 का। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। रेडियस 21 एंड रेडियस 15। ठीक है, अब मैं लाइन को डिलीट कर देता हूँ। आगे चलते हैं, इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से ये वाली लाइन जो है टेंजेंट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी टेंजेंट दे देता हूँ। मैंने लाइन ली, सबसे पहले मैंने कंट्रोल प्रेस करा, अगेन मैंने यहाँ पर, अब ऑप्शन आ गया, मैं राइट हैंड क्लिक करके टेंजेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा टेंजेंट आ गया। और उसके बाद मैंने अगेन कंट्रोल प्रेस करा, राइट हैंड क्लिक, एफपी टेंजेंट, ओके। तो यहाँ पर ये मेरी लाइन टेंजेंट हो चुकी है बढ़िया से। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्लेट दे रखा है रेडियस 15 का, तो मैं फ्लेट देता हूँ। चलिए, फ्लेट की कमांड हमारी एफ, रेडियस है उसका 15, फ्लेट हो गया हमारा। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्लेट दे रखा है रेडियस 20 का, ये फ्लेट हमारा रेडियस 20 का है। ठीक है, चलिए रेडियस 20 का हमारा फ्लेट था। एफ एंटर, रेडियस 20, इतना हमारा हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए था। और मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन को मिरर कर देता हूँ। लाइन हमारी मिरर होगी, तो एक लाइन मैंने लेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये वाला, हमें भी ये वाली हमें हिस्सा भी ट्रिम करना है अभी। और हम ड्राइंग पे देखते हैं अभी हमारा क्या रह गया। तो यहाँ पर हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, सारी चीजें हमने बना दी हैं। तो यहाँ पर ये हमारी आज ऑटोकैड की 2D की एक्सरसाइज 52 कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को भी इस ड्राइंग में कोई भी क्वेरी है या फिर डाउट है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, वो जाकर हमारी ऑटोकैड की 2D की आइसोमेट्रिक की डिस्क्रिप्शन पर हमने लिंक दे रखी है, वो वहाँ पर जाकर देख सकता है। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।